हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि जूनियर एनटीआर की मच अवेटेड फिल्म एनटीआर 30 का टाइटल कंफर्म हो गया है और साथ ही फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप जूनियर एनटीआर को एक नए लुक में देख सकते हैं। ब्लैक ड्रेस और हाथ में हथियार लिए हुए जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं। हालांकि फर्स्ट लुक पोस्टर को देख लग रहा है कि ये फिल्म भी केजीएफ और पुष्पा की तरह होने वाली है। अगर आप बैकग्राउंड और जूनियर एनटीआर के लुक को देखेंगे तो वो कुछ उन्हीं फिल्मों की तरह दिख रहा है। लेकिन नई फिल्म है, कोटला सिवा फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो भाई ये फिल्म काफी अलग होगी। जूनियर एनटीआर के साथ इस फिल्म में जानवी कपूर नजर आएंगी, वहीं सैफ अली खान विलन के रोल में नजर आएंगे। संजय दत्त के बाद आजकल सैफ अली खान को विलन के रोल में काफी पसंद किया जा रहा है। तो देखते हैं तानाजी और आदि पुरुष के बाद एनटीआर 30 में सैफ अली खान का लुक कैसा होता है। और जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था तो एनटीआर 30 का टाइटल देवरा रखा गया है। काफी लोग कह रहे थे कि भाई ये तो भोजपुरी मूवी का टाइटल है। अब भोजपुरी हो या फिर बॉलीवुड हो, एनटीआर 30 का टाइटल देवरा रखा गया है। तो देवरा की शूटिंग चल रही है और ये फिल्म 5 अप्रैल 2024 को तेलुगु के साथ साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। तो फिल्म का टाइटल और जूनियर एनटीआर का ये लुक आप सबको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कभी कभी हौसले को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था कि डॉन रिबूट में रणवीर सिंह डॉन का रोल कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि रणवीर सिंह ही अगले डॉन के रोल में नजर आएंगे। फिल्म के मेकर्स इन दिनों रणवीर सिंह से बात कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। खबरों की माने तो 99% कन्फर्म हो गया है कि रणवीर सिंह ही अगले डॉन के रोल में नजर आएंगे। तो अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान और अब शाहरुख खान के बाद रणवीर सिंह डॉन का रोल करने वाले हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या रणवीर सिंह डॉन के रोल के लिए परफेक्ट है या फिर किसी और एक्टर को साइन करना चाहिए? आपके हिसाब से इस टाइम डॉन के रोल के लिए परफेक्ट बॉलीवुड एक्टर कौन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरे सारे दुश्मन या तो खत्म हो चुके हैं या फिर जेल में हैं, और अब पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो नाउ आई एम अ फ्री मैन। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म एनिमल में शक्ति कपूर को भी साइन किया गया है। शक्ति कपूर इस फिल्म में एक गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे। फिल्म का आखिरी शेड्यूल मुंबई में कंप्लीट होगा, जिसे आने वाले कुछ दिनों में शूट किया जाएगा। एनिमल फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और तृप्ति दिमरी अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म होने वाली है और ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। और खबरों की माने तो थलाबाड़ी विजय की फिल्म लियो में संजय दत्त विजय के फादर के रोल में नजर आएंगे। 40 के दशक का एक गैंगस्टर जो गैंग वॉर की दुनिया को छोड़कर कश्मीर में एक चॉकलेट फैक्ट्री चलाता है। तो संजय दत्त और थलाबाड़ी विजय इस फिल्म में बाप बेटे के रोल में नजर आएंगे। लियो फिल्म की शूटिंग चल रही है जो की जुलाई एंड तक खत्म हो जाएगी। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 19 अक्टूबर को पैन इंडिया रिलीज होगी। ब्लडी स्वीट। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म सत्य प्रेम की कथा का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया गया है। टीजर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी काफी खूबसूरत अंदाज में नजर आ रहे हैं। तो अब देखते हैं फिल्म का ट्रेलर कैसा होता है और इस फिल्म की कहानी कैसी होती है। टीजर में रिलीज डेट नहीं दी गई है, लेकिन कहा गया है कि कार्तिक आर्यन की ये फिल्म 29 जून को रिलीज होगी। आंखें जो कभी नम ना हो, और अगर हो आंसू के हो पर आंखें मेरी हो। छत्रपति के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद अब बेलमकोंडा श्रीनिवास की अगली फिल्म सागर के चंद्रा के साथ होने वाली है। सागर के चंद्रा ने ही 2022 की हिट फिल्म भीमला नायक को डायरेक्ट किया था, तो अब सागर के चंद्रा बेलमकोंडा श्रीनिवास की अगली फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2024 में रिलीज होगी। 2010 में रिलीज हुई जैकी चैन की सुपरहिट फिल्म द कराटे किड को तो आप सबने देखा ही होगा। वैसे तो फिल्म का सिक्वल काफी पहले अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अब आपको जानकर खुशी होगी कि द कराटे किड की दूसरी फिल्म आने वाली है और इस फिल्म में भी जैकी चैन लीड रोल में नजर आएंगे। हालांकि अभी ये कन्फर्म नहीं है कि ये सिक्वल होगी या फिर द कराटे किड को रिबूट किया जाएगा। जो भी है, जैसे ही आगे कोई अपडेट आएगी हम आपको फिल्मी टॉक में बताते रहेंगे। PKHDT का टाइटल कंफर्म हो गया है। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि PKHDT का टाइटल ब्रो होगा। यहाँ पर आप फिल्म के टाइटल के साथ पवन कल्याण को भी देख सकते हैं। पवन कल्याण और साई धर्म तेज की ये फिल्म 28 जुलाई को रिलीज होगी। हॉलीवुड की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मिसिंग की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। वैसे तो कहानी काफी अलग है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2018 की सुपरहिट फिल्म सर्चिंग की सिक्वल है। तो सर्चिंग सिक्वल मिसिंग 24 मई से नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देखने को मिलेगी। There's actually a lot I want to talk with you about. Oh my God, someone's here.
और अगर आप भी दशहरा के हिंदी डब का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि दशहरा की हिंदी की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। दशहरा 25 मई को हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। वैसे थिएटर में किस किसने इस फिल्म को देखा था और ये फिल्म आप सबको कैसी लगी थी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।